नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छी होंगे। तो आज मैं रेशमी विद्याल फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेकर। तो उसे देखिए और उसका आनंद लीजिए और अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताएं। नमस्ते। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त आलू पनीर की रेसिपी बनाने के लिए प्रस्तुत हूँ, जो कि खाने में तो टेस्टी लगते ही है, साथ ही बहुत ही झटपट से बनकर तैयार भी हो जाते हैं। आपको इसमें बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं है, यकीन मानिए बिना तामझाम के मेहमान भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो बस इसके लिए जो कुछ भी मैं छोटे मोटे से टिप्स दूंगी, उसे वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखें, तो आप इस प्यारी सी रेसिपी को इजीली समझ पाएंगे। तो इस रेसिपी को घर पर एक बार बनाकर मुझे अपनी फीडबैक जरूर दें। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अब ये मैंने 250 ग्राम पनीर को क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स करें। फ्रेंड्स, ये स्टेप मैं पनीर को ऑयल में फ्राई करने के लिए कर रही हूँ। अगर आपको फ्राइड पनीर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली थोड़ा फ्राइड पनीर पसंद है, इसलिए मैं इस प्रोसेस को कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालकर गरम कर ले। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। और जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें पनीर डालें और हाई टू मीडियम फ्लेम में थोड़ी थोड़ी देर में पलटे। फ्रेंड्स, पनीर को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई करके स्टिकी नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा लाइट फ्राई करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि पनीर लाइट फ्राई हो गए हैं। तो अब इसे कढ़ाई से निकाल ले। मैं अगेन कह रही हूँ कि अगर आपको फ्राइड पनीर नहीं पसंद है तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो आप सेम ऑयल में 1/4 टीस्पून हींग डालें, 2 खड़ा लाल मिर्च डालें, 1/2 टीस्पून जीरा डालें और कुछ सेकंड चलाएं। और जब जीरा चटकने लग जाए तो इसमें एक पेस्ट डालें। इस पेस्ट में थोड़ा सा अदरक, 8 से 10 कलियां लहसुन, 1 बड़ा साइज का टमाटर, 2 हरी मिर्च और 2 बड़े साइज के प्याज को बिना पानी डाले मिक्सी में एक पेस्ट तैयार कर ले। तो अब इसे संभल के आराम से डालें, ताकि इसका छींटा आपके ऊपर न पड़े, और हाई फ्लेम में थोड़ी देर फ्राई करें। और जब सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसमें मसाले ऐड करें। मसालों में एक एक करके 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालें, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और आखिरी में स्वाद अनुसार नमक डालें। और अब सारे मसालों को हाई फ्लेम में तब तक फ्राई करें जब तक मसालों का कलर चेंज ना हो जाए। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से फ्राई होके ऑयल छोड़ चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें, ताकि मसाले जले ना, और अगेन चलाते हुए मसालों को मिक्स करें। और अब इसमें आवश्यकता अनुसार कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालें और चलाते हुए मिक्स कर लें। और जब कसूरी मेथी मसालों के संग अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें उबले हुए आलू ऐड करें। तो ये मैंने 3 बड़े साइज के आलू को उबालकर इसका छिलका हटा दिया है, तो इसे काट के कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस प्रकार से हाथों से तोड़ के डालना है। काट के डालेंगे तो ग्रेवी का टेक्सचर ठीक नहीं होगा और खाने में भी मजा नहीं आएगा। इसे मैं बिल्कुल से ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल, कुछ भी कह लीजिए, बिल्कुल उसी तरीके का बना रही हूँ। तो अब आलू को चलाते हुए मसालों के साथ कोटेड करें और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके बार बार पानी डालें। वो इसलिए क्योंकि इकट्ठा अगर पानी डालते हैं तो मसालों का फ्लेवर आएगा नहीं और आलू भी मसालों से अच्छे तरीके से कोटेड
होंगे नहीं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बार बार पानी डालें और लगभग 2 से 3 गिलास पानी इसमें डाली दें और लगातार मिक्स करें। और फिर इसमें फ्राई किए हुए पनीर को डालकर अगेन मिक्स करें और अब इसे ढककर लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दें। हाई फ्लेम में बिल्कुल मत पकाइए, नहीं तो सब्जी जल जाएंगे। सब्जी को कुक होते होते 5 से 7 मिनट का समय गुजर चुका है, तो अब इसमें आवश्यकतानुसार ड्राई धनिया पत्ती हाथों से क्रश करके डालें। वो क्या है ना, मेरे पास ड्राई धनिया पत्ती है, फ्रेश धनिया पत्ती नहीं थी, इसलिए मैं ड्राई धनिया पत्ती का यूज़ कर रही हूँ। ड्राई धनिया पत्ती कैसे बनाया जाता है उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप देखना पसंद करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, लिंक पर क्लिक करके इजीली आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्रेश धनिया पत्ती रखी है तो आवश्यकता अनुसार बारीक काट कर फ्रेश धनिया पत्ती डालें। तो अब इसे बहुत ही आराम से मिक्स करें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी मिक्स न करें, और मिक्स करके फ्लेम को ऑफ कर सर्व कर लें। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने बहुत ही जबरदस्त ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल मसालेदार आलू पनीर की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। इसे आप रोटी पूरी पराठा या नान के साथ सर्व करें, ये बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो इस रेसिपी को घर पर बनाकर फैमिली के साथ एंजॉय करें, घर पर आए स्पेशल मेहमानों को सर्व करें, मेहमान भी आपके खाने की तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।